इस वेले दी वड्डी खबर फरीदकोट तो आ रही है जिथे बैबल कलां गोलीकांड दी जांच कर रही SIT ने उस सुहेल सिंह बराड़ नूं गिरफ्तार कर लिया जिस ते बैबल कलां गोलीकांड मामले च इह दोष सन कि उस वेले दे SP बिक्रम सिंह बराड़ ने सुहेल सिंह बराड़ दे घर जाके ही पुलिस दी जिप्सी ते आप खुद फायरिंग कीती सी ताकि उह इह सबूत बना सकन कि उस गोलीकांड दौरान पहलां भीड़ ने पुलिस ते हमला कीता सी ते फिर उस तो बाद पुलिस नूं भीड़ ते गोली चलाउणी पई। दस दईए कि इस गोलीकांड च पुलिस ने दो सिख नौजवानों नूं मार मुकाया सी ते कईआं होरां नूं सदा सदा लई अपाहज कर दिता सी। अज दी इस गिरफ्तारी की पुष्टि SIT मैंबर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी की है। ज़्यादा जानकारी लई साडे नाल फरीदकोट तो साडे पत्रकार गुरजीत सिंह रोमाणा जुड़ गए ने। उन्हां तों इह जाणन की कोशिश करदे आं कि अज दी इस कार्रवाई दौरान आखिर अजिहा की होया सी कि पुलिस नूं सुहेल सिंह बराड़ नूं गिरफ्तार करना पिया। हैलो गुरजीत रोमाणा जी, बैबल कलां गोलीकांड अज एक बहुत वड्डी जिहड़ी आ घटना वापरी है उहदे विच गिरफ्तारी कीती गई है, इक तुहाडे कोल की जानकारी इस बारे? दसना चाहांगा सर, जिहड़ा इह बैबल गोलीकांड दे विच जो बैबल दे विच गोली चली सी उस वक्त दो जिहड़े व्यक्तियां दी मौत हुई सी और कथित तौर ते दस्सिया जा रहा उस तों बाद जदों पुलिस वल्लों इहनां सबूतां नूं मिटाउण दी खातर खुद किसी घर जा के एक जिप्सी से जो गोलियां चलाईया गई सी जल ही जो सबूत दसा जा रहा थे उस तैयार किए गए थे उसनों लैके जिन्होंने घर के सारी जी प्लैनिंग की जा रही थी उन्होंने जो लड़के अज सैट वालों बुलाया गया सी उस वक्त अज जो सैट में लग्या कि उन्होंने उसकी क्योंकि तुम दस दिए कि इस लड़के के वकील ने भी साड़ी गल हुई थी उन्होंने भी यही दसाया कि पहला इस गवाह के तौर पर रखा गया सी पर अज पता नहीं किस गल लैके इस गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी की गई अज। गुरजीत जी थोड़ा घटनाक्रम दसोंगे भी अज इन्हों किस लिए कदों पहला समन जारी किए थे या कितना पहला भी कि जांच शामिल हुए ने या अज अचानक इस तरह की घटना हुई है भी जिद इन्हों एकदम गिरफ्तार कर दिया गया? मैं तुहानू पहला भी इसे यही दस्या सर भी इन्हों पहला भी जी इन्हों की जांच तफ्तीश चल रही थी इसे मामले में लैके तो इन्हों इस लड़के को गवाह के तौर पर भी उस वक्त रखा गया सी क्योंकि जी इन्हों के वकील है उन्होंने वालों भी दसा गया कि इसन गवाह के तौर पर जो रखा गया सी हुण यह नहीं समझ आ रही वकील साहब का कहना है कि किस विवाह उत्ते अज जो इन्हों की गिरफ्तारी की गई है जी। मामला सारा उही है जरा पहले तुम दसा कि बैबल कलां दे विच जिहड़ी गोली चलती है उसनूं लैके बाद विच कथित तौर ते जिहड़े सबूत मिटाउण दी कोशिश कीती गई सी ते सारा उह मामला जी। ते की इहदे बारे कोई पुलिस अधिकारियां ने या SIT दे जिहड़े मैंबर ने किसी ने इस बारे कोई खुलासा कीता भी इस बारे दे विच किस तरह की घटनाक्रम जो वापरिया हैगा भी उहनूं गिरफ्तारी कीती गई उहदा की रोल रहा ते उहदे कोर्ट दे विच उहनां नूं कदों प्रोड्यूस करके ते की अग्गे इहनां दी कारवाई होएगी? बिल्कुल उन्होंने यही अजे जानकारी दी है कि जांच चल रही है उस गिरफ्तार किया और अगे नाल ही जिहड़ा उन्होंने कहना कि पुलिस रिमांड लिया जाएगा उस तो बाद जिहड़ी जांच दी जिहड़ी अगे की जाएगी पूरे जिहड़े कारण फिर सामने आउणगे। गुरजीत जी वड्डी गल है ये गिरफ्तारी हुई है, मैनूं लगता है कि आपां पुलिस वालों तो बाद जिहड़ी है एक आम बंदे की गिरफ्तारी जिहड़ी है इस मामले च पहली गिरफ्तारी हुई है ते की लगता कि इलाके दे जिहड़े ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੈੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਕੀਕਤ TV, ਪੰਜਾਬੀ।